होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज्यादा खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय एंड द वीडियो, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजेदार रेसिपी बताने वाली हूँ जो मेल्स को स्पेशली बहुत पसंद होती है, तो फीमेल्स को बनाना जरूर आनी चाहिए। बिरयानी होती है और एक होता है पुलाव, तो उन दोनों में से अगर मेल्स ज्यादातर देखा जाए तो उन लोगों को मिर्चों वाली चीज नहीं पसंद होती, वो लोग खाते हैं पुलाव शौक से। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी चिकन पुलाव बनाना, चिकन पुलाव की फुल रेसिपी जो मेरी रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और रेसिपी बहुत ज़्यादा यमी होने वाली है इंशाल्लाह। सो अब हम लोग चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सारी चीज़ें हमने ध्यान से डालनी है और सारी चीज़ें देख लेनी है, जो जो मैं डाल रही हूँ आप लोगों ने वही सब डालना है, तो ही आपकी बिरयानी जो तभी आपका पुलाव जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अदरवाइज अगर आप कुछ स्किप कर देते हैं और फिर आप लोग कंप्लेन कर दें कि हमारा टेस्ट अच्छा नहीं आया और ये वो, तो वो आप कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से आप लोग के जो टेस्ट है रेसिपी में वो नहीं आता है। बट अगर मैं जो जो चीज़ें आपको दिखाती हूँ वो सब आप डालेंगे तो इंशाल्लाह 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 आप लोगों की पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त होगा। सो अपने चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1.5 किलो चिकन लिया है और उसको धो के इस तरह से पानी में बॉईल करने के लिए रखा है। 3 से 4 तेजपात के पत्ते लेने हैं, 10-20 ली हैं मैंने, 10 ली हैं काली मिर्चें, 10 ली हैं लौंगे और 2 दालचीनी के पीस लिए थे उसको छोटे-छोटे कट कर लिया है, 4 बड़ी इलायची ली हैं, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 लहसुन लिया है, 1 प्याज लिया उसे काट लिया छील लिया उसके छिलकों को, 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है और 2 टेबल स्पून नमक लिया है और इसे ज़्यादा और कम भी आप कर सकते हैं। अब ये सब हम अपनी जो यखनी रेडी कर रहे हैं उसके अंदर ऐड करेंगे। सौंफ और धनिया डाला है इसके अंदर और काली मिर्च लौंग, काली मिर्च लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी बस और तकरीबन 2 चम्मच नमक, 2 चमचे नमक डाला है, हाँ 2 से 3 चमचे हो गए नमक डाला है। अब इसे हम करेंगे बॉयल और यखनी बनाते हैं ना चिकन की, तो उस टाइप की हमने यखनी बनानी है चिकन की फर्स्ट। चावल बनाने के लिए 1 प्याज ली है और उसे इस तरह से गोल कट कर लिया है, 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं और उनको बीच में से इस तरीके से कट कर लिया है, 2 टेबल स्पून नमक लिया है और इसे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून पिसी हुई सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो लिया है, 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, साबुत, 4 बड़ी इलायची ली हैं, 2 दालचीनी ली हैं और उनको छोटा छोटा कट कर लिया है, 10 काली मिर्चें ली हैं और 10 ही लौंग ली है, 2 से 4 तेजपात के पत्ते लिए हैं, 1 प्याली जो लिया है कुकिंग ऑयल और 1 पाव दही लेना है, लेकिन यहाँ पे हमारा दही जो है वो थोड़ा जमा हुआ है, हम इसके थोड़ा नरम होने के मेल्ट होने का वेट करेंगे। 10 इमली के दाने और 10 ही आलू बुखारे के दाने ले लिए हैं, 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये सारे मसाले हमारे पुलाव में ऐड होंगे। 1.5 किलो बनस्पति चावल ले लिए हैं और अब हम इससे पानी में, बहुत अच्छे हैं ये देखें, और हम अब इसे पानी में डिप करके रखेंगे एटलीस्ट 1 घंटा। सबसे पहले हम ऑयल ऐड करने लगे हैं इसके अंदर और हमारा जो पैन था वो गर्म हुआ हुआ है, इसके अंदर देखते हैं हम प्याज ऐड कर देंगे, ये देखिए ये हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन हो गया है, अब हम बस इसे निकाल लेंगे प्याज को, एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे, बहुत ज़्यादा से काला नहीं करेंगे वरना हमारे खाने में से अजीब सी जलने की स्मेल आएगी। अब जो हमने मसाले निकाल के रखे थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट, जब अगर तक हम जैसी डालते हैं ना फिर घर में महक हो जाती है।
नमक हम देख के डालेंगे ज़रा, क्योंकि हमारी यखनी में भी नमक हमने डाल दिया था। थोड़ा सा पानी ऐड किया कि मसाला भूखे ना लगे। दही डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। चलाते रहेंगे, मसाले को नीचे नहीं लगने देना है बिल्कुल भी। ये दही जो है वो गुला नहीं था तो थोड़ा सा ये पकते में खुद ही धुल जाएगा। मसाला जो है वो देखें भुन गया है, और अब हम इसके अंदर जो चिकन बॉईल किया था वो डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे अपने जो चिकन है हमारा, उसे जो यखनी हमने बनाई थी अब वो भी हम अपने इसमें ऐड कर देंगे, ताकि जो यखनी का टेस्ट है वो भी हमारे पुलाव के अंदर आ जाए। इसको छान के यखनी को ऐड करेंगे, क्योंकि जो सौंफ वगैरह थी हमने जो डाला था वो ना आए, बस सिर्फ यखनी का जो पानी होता है वो इसके अंदर आए। अब इस टाइम पर आकर हम अपने जो चावल हमने भिगो के रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। चावल जो है वो चार ग्लास होंगे, तो हम उसमें आठ ग्लास जो है वो पानी डालेंगे। ये देखें, एक गिलास। पानी डालने के बाद हम इसमें और इस टाइम पर नमक चेक करेंगे। अब हम इसको तेज आंच पर पकने देंगे। और पुलाव का देखिए, चावल कितने ज़्यादा खिले खिले हो रहे हैं, और चिकन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से गला हुआ है। होपफुली गाइस आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गिव मी अ थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।